Hello, welcome to Dhanvantri Home Physiotherapy. I am Dr. Badri. Today I'll discuss about a frozen shoulder. कि frozen shoulder में कौन-कौन सी exercises आपको help करेगा? ठीक है, तो frozen shoulder के लिए मैं आपको पहली exercise जो बता रहा हूँ, एक आपको towel लेना है घर में, ठीक है? उसको आपको क्या करना? पहले हम कराएंगे आपका abduction movement को, ठीक है? तो ये मैं जो भी exercise बता रहा हूँ, body shift, load body shift के हिसाब से आपको बॉडी का वेट शिफ्ट करना है, उससे आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, ठीक है? तो उसमें क्या करना है आपको, आपका एल्बो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और बॉडी शिफ्ट करके इसको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, ठीक है? इसमें आप मेरा पाँव का मूवमेंट देखिए, तो पाँव का मूवमेंट क्या शिफ्ट हो रहा है, बॉडी का वेट हम शिफ्ट कर रहे हैं आपके सेम साइड, जिस साइड को आपका मूवमेंट कर रहा है, तो इसको करके फिर रोकना है और फिर आपका ये, ठीक है? तो ये आपका शोल्डर एब्डक्शन मूवमेंट बढ़ाएगा। अब देखो शोल्डर फ्लेक्शन के लिए क्या करना है, आपका जो एक नी है उसको आपको स्ट्रेट आगे रखना है और उसके बाद फिर से ये मूवमेंट एंड देन रिलैक्स। अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है यहां तक, तो कृपया यहीं तक रुकिए, फिर अगेन नीचे आइए, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो रहा है, बॉडी का वेट हम आगे को शिफ्ट कर रहे हैं एंड देन अगेन पीछे आ रहे हैं, फिर से बॉडी का वेट आगे को शिफ्ट कर रहे हैं और फिर से पीछे आ रहे हैं, फिर से बॉडी का वेट शिफ्ट किया एंड देन अगेन वापस आए, ठीक है? तो दो एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई, एक शोल्डर अब्डक्शन को मूवमेंट बढ़ाने के लिए और एक शोल्डर फ्लेक्शन को, ठीक है? तीसरा क्या, आपका शोल्डर का इंटरनल रोटेशन के लिए, तो इंटरनल रोटेशन के लिए आप थेराबैंड को कहीं स्टक कर सकते हो किसी भी पार्ट में एंड देन यू कैन गो फॉर शोल्डर इंटरनल रोटेशन। अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो आपको क्या करेंगे, शोल्डर का इंटरनल रोटेशन। आप देखो इसमें क्या है आपका, अगर पेन बॉडी को, अगर आप पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो उसके बाद क्या यहीं तक रुक सकते हो, तो उसके बाद शोल्डर का इंटरनल रोटेशन, ठीक है? तो अगर पेन फील हो रहा है तो उसके बाद आप वहीं पे जाके स्टक हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी हमारी तीन एक्सरसाइजेस हुई है आपका, एक शोल्डर का फ्लेक्शन के लिए और एक अबडक्शन के लिए और एक एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, कैप्सुलर स्ट्रेच, तो आपको ये आपका कैप्सुलर स्ट्रेच दे सकते हो, इसको रोकना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, ठीक है? अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है इंफ्लेमेटरी फेज में फ्रोजन शोल्डर के, तो उसमें आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग दो तीन बार आइसिंग करने से आपका जो पेन का जो सिम्टम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही,